पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेट रहा, तो रायगढ़ में कोलारा में 11.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, बाकी जगह तो ड्राई वेदर रहा है। लोएस्ट मिनिमम तापमान जो केवंझर का 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और हिल स्टेशन कोरापुट का 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। भुवनेश्वर की बात करें तो 17.8 और कटक में 19.2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तापमान दर्ज किया गया। उसके अलावा फुलवानी में डेंस फॉग भी ऑब्जर्व की गई है। उसके अलावा राउरकेला भवानीपटना शैलो टू मॉडरेट फॉग ऑब्जर्व की गई है। अगर बात करें मिनिमम तापमान में 24 डिग्री सबसे ज्यादा चेंज जो केवंझर में देखा गया 4.6 डिग्री सेल्सियस का, तो भवानीपटना में -2.2 डिग्री सेल्सियस, झारसुगुड़ा दारिंगबाड़ी में 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा पारा कल के मुकाबले में। उसके बाद भुवनेश्वर में -1.4 डिग्री सेल्सियस, कटक में 0.7 डिग्री सेल्सियस प्लस साइन में जो 24 आवर चेंज देख रहे हैं मिनिमम तापमान में। सिग्नल वेदर सिस्टम की बात करें तो अभी जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी हुई है नॉर्थ वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग एरिया नॉर्थ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट के ऊपर, जो कि समुद्र तल से 3.1 से लेकर 4.5 किलोमीटर के बीच में बनी हुई है। फिलहाल तो उड़ीसा के ऊपर डे वन डे टू में आज और कल में दो ड्राई वेदर रहने की संभावना है। डे थ्री की बात करें तो डे थ्री में नुआपाड़ा, वेस्ट नवरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, गजपति, रायगढ़, कोरबू, मुलकानगिरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में 28 तारीख से हल्की से मध्य वर्षा होने की संभावना है। इसकी वजह से आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना 28 तारीख को। उसके बाद 29 तारीख से लेकर 2 तारीख तक दिसंबर से अगले 4 से 7 दिन के बीच में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर की फोरकास्ट की, तो अगले 4 से 5 दिन तक मिनिमम टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। अगर सिस्टम की बात करें तो अभी जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है साउथ थाईलैंड और जॉइनिंग साउथ अंडमान सी के ऊपर और उसके नेबरहुड के ऊपर बनी हुई है, जो कि समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर अबव एक्सटेंड कर रही है। यह जो सर्कुलेशन है इसके प्रभाव के कारण अंडर से इन्फ्लुएंस एक लो प्रेशर एरिया जो संभावना है बनने की 27 तारीख को, जो कि साउथ अंडमान सी और एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर बनने की बन सकेगा। इसके कारण ये जो फर्दर ये है लो प्रेशर एरिया वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड की तरफ मूव करेगा और इंटेंसीफाई करेगा डिप्रेशन में 29 तारीख को, जो कि साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के पास अभी तक जो ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है 29 तारीख को डिप्रेशन के तौर पर बनने की संभावना है।